मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे टुडे। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि सच्चाई हमें कैसे स्वतंत्र करता है। आइए मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी एक मोहन नाम के आदमी की है जो बैंक में काम करता रहता है, और एक दिन क्या होता है, बैंक में कुछ फ्रॉड हो जाता है और पुलिस आती है, और पुलिस वो फ्रॉड के लिए मोहन को ज़िम्मेदार समझती है और उसको पकड़ के जेल में डाल देती है, कैद में रख देती है। मोहन चिल्लाता है, बोलता है कि ये फ्रॉड मैंने नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी ये बात को सुनना नहीं चाहता है और कोई भी ये बात के ऊपर गौर नहीं देता है। मोहन बोलते ही रहता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। तो मोहन को सिर्फ एक बात पता है कि मुझे अगर ये जो जेल से आज़ाद होना है तो एक ही चीज़ है जो मुझे आज़ाद कर सकती है कि सच्चाई। अगर लोगों को सच्चाई पता हो जाए तो लोग तो मैं ये कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो मोहन का जो वकील होता है, वो वकील सारे सबूत जो मोहन को सच्चाई के थे, वो मोहन को रिहा कर सकते, वो सारे सबूत इकट्ठे करते हैं और जज के सामने बताते हैं। और फिर ये सच जानने के बाद कि मोहन ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए वो एक बंदनी में एक जेल में रहे, तो जज उसको आज़ाद कर देता है, रिहा कर देता है और मोहन वापस अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से सच, मोहन ये जो सच है उसकी वजह से मोहन वो बंधन से, वो जो कैद से बाहर निकला। तो बाइबल यही कहती है हमको कि तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो बाइबल हमें किस सत्य के बारे में बता रही है? बाइबल हमें बता रही है कि सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह, जो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस जगत में आए और उन्होंने हमारे सारे पाप लिए और उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए उन्होंने वो मौत सही और उन्होंने वो तकलीफ सही और वो मारे गए, वो गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन जीवित हुए। ये जो सच है वो हमें आज स्वतंत्र करने वाला है, क्योंकि हम शायद से बहुत सारे बंधनी में आज फंसे हुए हैं। हमें पता नहीं है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ है जो आज हमें ये सारे बंधन इसे स्वतंत्र कर सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई है, जो परमेश्वर है, ये हमें ये सारी चीज़ों से, ये सारी बंधनी से मुक्त कर सकता है, आज़ाद कर सकता है, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें उद्धार दे सकता है, हमारे जो बीमारियां है उससे प्रभु यीशु हमें चंगा कर सकता है, हमें जो हमारे ऊपर शाप या जो दोष लगाते हैं उससे प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकता है। तो ये सच्चाई है जो हमें आज स्वतंत्र करना चाहती है। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की, वो जिंदा खुदा है और वो जिंदा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हमारा नाश ना हो। ये सच्चाई है। तो आइए हम उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहे, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें और उसकी ओर बढ़े। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद दें और उसके नाम को हम सदैव उठाए रहे और उसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन को आशीष दे और हम हर एक को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आमीन।